Musabadavirmani Sikkhapadhinsmadhyami Musabadavirmani Sikkhapadhinsmadhyami Delhi Sanniwar Club With the people, हम भारत के लोग समण संघ में एक नियम बना है कि जितनी भी लोग हैं हर शहर में, जो अम्बेडकराइट हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जो एससी एसटी ओबीसी के मूवमेंट वाले लोग हैं, जो जागरूक हैं, जो जागरूक नहीं भी हैं, और जो सुबह को सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, फ्रेश एयर लेने जाते हैं, तो वो सभी लोग एक दूसरे को हालचाल पूछते हुए, दुख दर्द पूछते हुए, सुख दुख पूछते हुए, किसी का कोई काम है उसकी बातचीत करते हुए। जैसे मान लो किसी का लड़का किसी की लड़की कहीं पढ़ने जा रहे हैं, तो फलाने शहर में कोई जान पहचान का है या नहीं है, या वी द पीपल से समर संघ से कोई व्यक्ति वहाँ हो तो वो मदद करे, या किसी की कोई घर में शादी है तो कोई काम का हाथ बटाना है, या कोई बीमारी है तो दवाई कहाँ से मिलेगी, या कोई हॉस्पिटल में जान पहचान का डॉक्टर है या नहीं है, या कहीं कोई अड़चन आ गई कानूनी तो कोई वकील जान पहचान का है या नहीं है, या कहीं जाना है रेलवे में रिजर्वेशन होना है या नहीं होना है उसकी जानकारी लेनी है, या पढ़ाई लिखाई संबंधित कोई काउंसलिंग करनी है, ये सारी जानकारियाँ आपस में बैठने से पूरी हो जाती हैं। इसलिए समर संघ विद द पीपल हम भारत के लोग ने एक सर्वसम्मति से हाउस में फैसला किया कि सुबह को सभी लोग एक दूसरे को मिलते हुए जाएंगे, हेलो हाय करते हुए जाएंगे और आपस में बातचीत करेंगे, जिससे कि कोई भी अगर परेशानी की बात है तो वो आपस में छोटी मोटी, जैसे किसी की लड़की का रिश्ता है, लड़के का रिश्ता है, कोई बाहर जा रहा है, कोई भी बात हो सकती है, कोई पैसे का लेन देन है, कोई परेशानी है, कोई बैंक में काम है, बहुत सारे काम हैं जीवन में, तो वो सब आपस में बातचीत करेंगे और घूम घाम कर फ्रेश एयर लेके आ जाएंगे। ये उन्हें रोज़ करना है, जहाँ रोज़ कर सकते हैं, जहाँ रोज़ नहीं कर सकते हैं वहाँ एक दिन छोड़ के करें, जहाँ एक दिन छोड़ कर नहीं कर सकते हैं वहाँ वीकली करें, जहाँ सुबह नहीं कर सकते हैं वहाँ शाम को करें, करें ज़रूर। यानी कि आपस में जो मॉर्निंग वॉक है या जो प्रभात फेरी है या बुद्ध के समय कहें तो इसको कह सकते हैं प्रभात चक्रमण। चक्रमण वो होता है जो बुद्ध टू एंड फ्रो करते थे, यानी कि वो पहाड़ी पर चढ़ते थे फिर नीचे उतरते थे तो वो चक्कर लगाते थे, उसको चक्रमण बोलते हैं। ये हमारी ही टर्म है, यानी जो प्रभात फेरी है, मॉर्निंग वॉक है, ये बुद्ध से आरंभ हुई है, क्योंकि बुद्ध का साहित्य में मिलता है प्रभात चक्रमण, तो चक्रमण करते थे, तो वही चक्रमण आपने करना है। उससे बड़ी सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी सुबह सुबह, और लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, फ्रेश एयर तो मिलेगी आपको, घूमना घामना होगा, हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी होगी। उसी को देखते हुए दिल्ली वालों ने एक दिल्ली सन्नीवार क्लब स्थापित किया है। यानी दिल्ली का है तो दिल्ली, और सन्नीवार तो आपको पता है सन्निपात बहुल का मतलब होता है सम्मेलन, यानी अधिकतर लोगों का इकट्ठा होना। ये बुद्ध का पुराना शब्द है, बुद्ध से पहले का है, यानी बुद्ध से पहले जब हम लोग आपस में मिलते थे जुलते थे तो उस मिलने जुलने को सन्निपात बोला करते थे, कि हम सन्निपात कर रहे हैं और सन्निपात चर्या कर रहे हैं, उस सन्निपात चर्या को सम्मेलन चर्या बोलते थे, उस सन्निपात चर्या से सनीचर्या बन गया, और सन्नीचर्या से फिर वो शनिचर बन गया, शनिचर्या बन गया, और बाद में शनिचर हो गया, फिर शनिवार हो गया। यानी हमारा जो मिलने का दिन है, जैसे मुसलमानों का जुम्मे को होता है, फ्राइडे को होता है, जैसे ईसाइयों का संडे को होता है, रविवार को होता है, वैसे हमारा उनसे पहले का, क्योंकि ईसाई तो 2000 साल पुराने हैं और जो मुस्लिम हैं वो 1400 साल पुराने हैं, और हम तो 2600 से भी साल पुराने पहले हैं, क्योंकि बुद्ध ही 2600 साल के हैं, तो उससे पहले ये चला आ रहा है, क्योंकि एक बार जो वत्साकार मंत्री था अजातशत्रु का, वो बार बार वैशाली के बज्जी लोगों पर आक्रमण करता था और हार जाता था, तो बड़ा परेशान हुआ कि ये वज्जी लोग देखने में तो सीधे साधे से हैं, साधारण हैं, मगर मैं हार जाता हूँ, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी हार जाता हूँ। तो उसने वत्साकार को, अपने मंत्री को, बुद्ध के पास भेजा कि इसका कारण जानो। तो बुद्ध ने कारण बताया कि वो लोग सन्निपात बहुल करते हैं, वो सातवें दिन लगातार बैठते हैं, अपना खाना लेके आते हैं और सब वहाँ चर्चा करते हैं, जो समस्या आती है उसे बातचीत करते हैं, उस समस्या का समाधान निकालते हैं, उसको बहुमत से पास करते हैं, फिर उस पर चलते हैं, और जब तक वो ऐसा काम करते रहेंगे उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तो सन्निपात बाहुल यानी सन्निवार हमारा तभी से पड़ा हुआ दिन है, सन्निवार, तो हमको इस दिन को मिलना चाहिए। तो यहाँ मैं एक आपको फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, ये हमारे एक राइटर हैं जो सुदेश तनवर हैं,
उनके दो नंबर हैं। जो लोग दिल्ली और दिल्ली के आसपास में सन्निपात बाहुल दिल्ली शनिवार क्लब में आना चाहते हैं, शनिवार को मिलेंगे, एक हफ्ते में एक बार तो मिलेंगे, उसके बाद जैसा होगा वैसा देखेंगे, या जो मोहल्लों में स्टार्ट कर सकते हैं रोज का वो करें। इसके अलावा अगर लखनऊ वाले लोग हैं तो वो लखनऊ शनिवार क्लब स्थापित कर सकते हैं, बनारस के लोग बनारस शनिवार क्लब स्थापित कर सकते हैं, जो बड़ोदरा के लोग हैं वो बड़ोदरा शनिवार क्लब स्थापित कर सकते हैं, जो जयपुर के लोग हैं वो जयपुर शनिवार क्लब स्थापित कर सकते हैं, जो इधर चंडीगढ़ के लोग हैं वो चंडीगढ़ शनिवार क्लब कर सकते हैं। यानी आप जो जहाँ हैं उस जगह का नाम लिखें, फिर शनिवार और फिर क्लब लिखें, आपका क्लब आरंभ हो जाएगा। कोई पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ सुबह को उठना है, मॉर्निंग वॉक करनी है, आपस में भाईचारा करना है, नमस्कार कर सकते हैं। नमस्कार बुद्ध से भी पहले का शब्द है, नमस्कार, नमस्कार को बाद में नमस्कार बदला है। नमस्कार करें, जय भीम करें, नमो बुद्धाय करें, जय कबीर करें, जय साहू करें, जय फूले करें, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा संबोधन स्थापित कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कोई बंधन नहीं है इसमें। मगर मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, 100 काम तो फ्री में ही हो जाते हैं जो लोग मिलते और जुलते रहते हैं। तो फ्री के काम के लिए मिलिए, अपनी सेहत के लिए मिलिए। आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gotcha.
संगम शरणम दर्शा।